बोकारो जिला के पुलिस लाइन में बोकारो अध्यक्ष द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बोकारो जिले की पुलिस लाइन में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें एक विशेष प्रजाति के आम के पौधों का रोपण किया गया। वृक्षारोपण पुलिस लाइन बोकारो शहर में किया गया। यह जो आम का वृक्ष है, 3 साल के बाद ही फल देना आरम्भ कर देगा। पौधा विशेष प्रजाति का है। बोकारो जिले के आरक्षी अधीक्षक श्री चंदन झा एवं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिमेश चौधरी ने पौधारोपण किया। इन दोनों ने पहल किए से बोकारो को जिलों में हरित क्रांति का और विकास का ऐसा प्रयास है, यह कहना उचित ही होगा कि पिछले साल कोरोना वायरस पूरे भारत ही नहीं बल्कि एशिया महादेशों में बोकारो स्टील सिटी के सौजन्य से ऑक्सीजन की जब सभी जगह कमी, तब बोकारो स्टील सिटी सभी जगह ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में सक्षम रहा था। नमस्कार, कैमरामैन दीपक कुमार के साथ मैं सच्चिदानंद मिश्रा, मैं पुलिस लाइन के प्रांगण में खड़ा हूँ। यहाँ आज एक विशेष आयोजन चल रहा है, मैं दिखाना चाहूँगा वृक्षारोपण का कार्यक्रम। बोकारो जिला के आरक्षी अधीक्षक महोदय एवं बार एसोसिएशन के श्री अनिमेश चौधरी और आरक्षी अधीक्षक बोकारो श्री चंदन झा, ये दोनों के साथ साथ बोकारो जिले के जो DSP हैं, सभी ने मिलकर यहाँ वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम किया है। और मैं सामने दिखाना चाहूँगा, ये यहीं पर वृक्ष लगने वाला है, जरा सा देखें, और वृक्षारोपण होगा और गैवियन से उसे घेरा जाएगा। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है वृक्षारोपण का, क्योंकि बोकारो जिला हरित के मामले में, हरियाली के मामले में हमें लगता है कि एशिया में बहुत आगे चल रहा है। और पिछले कोरोना काल में अगर पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई थी, तो यह बोकारो क्षेत्र ही उसमें अग्रणी रहा है। तो बोकारो स्टील सिटी का ये अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को दिखलाता हूँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम, और उसके बाद जो वृक्षारोपण यहाँ के आरक्षी अधीक्षक श्री चंदन झा ने किया है और अनिमेश चौधरी जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उन्होंने किया है, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सच्चिदानंद मिश्रा, एक्सप्रेस न्यूज भारत के लिए। यहाँ पर एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने किया है वृक्षारोपण का, आखिर इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है, मैं ये जानना चाहूँगा सर। आज का जो वृक्षारोपण कार्यक्रम है वो उसमें सम्मिलित हम लोग हैं, बट इसका श्रेय अनिमेश चौधरी जी को जाता है जो यहाँ हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और बहुत ही सामाजिक रूप से सजग हैं। उनके एक खास कॉज के लिए वो पिछले 5 साल से रेगुलर जो है प्लांटेशन करवा रहे हैं, वो भी फलदार जो वृक्ष है उसका, उसी के करीब आज ये कार्यक्रम था जिसमें पुलिस लाइन के पदाधिकारी और प्रेस रिपोर्टर यहाँ जितने हमारे साथी हैं सभी लोग थे। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही 2-3 सालों में फल मिलना शुरू होगा, जो कि दो तरह से फायदेमंद है। एक तो जो लोग रहते हैं वो कंज्यूम करते हैं उसे, और उससे कहीं जो मेन फायदा उससे है जो हमारा एनवायरनमेंट जो पॉल्यूटेड हो रहा है, जो ऑक्सीजन की कमी हम लोगों ने देखी कोविड में भी, वो उसकी भी कमी जो है वो भरपाई हो जाएगी और कहीं ना कहीं हम सभी को प्रोटेक्ट करेगा आने वाले जो एक स्ट्रॉन्ग। एक थोड़ा सा और प्रश्न है, मैंने फील्ड में देखा 15 अगस्त की तैयारी, टेंट का घेरा वगैरह चल रहा है, लेकिन कम से कम 50 की संख्या में भैंस गुजर रही है, तो क्या ये लोग पौधे को रहने देंगे सर? बिल्कुल, आपका वो टेक्निकली पॉइंट सही है, इसी के लिए हम लोग उसको फेंसिंग करवाएंगे। और हमने डिसाइड किया है आम बगान का नाम देके इसको फुल फ्लेज फेंसिंग करा के इसको आम के अलग अलग पेड़ लगेंगे, इंश्योर करेंगे ऐसा नहीं। ठीक है सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और लगातार मुझे लगता है कि जब से आप अध्यक्ष बने हैं तब से आपका वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा है। मैं एक दो जगह और आपको जज कॉलोनी में भी लगाते हुए देखा था, तो यहाँ पुलिस लाइन में लगाने का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है सर? यहाँ पर जो है हमारे SP साहब और पुलिस पदाधिकारी सब यंग हैं और बहुत एक्टिव हैं, सुशली भी बहुत एक्टिव हैं, और प्लस यहाँ जो भी बाउंड्री वॉल किया हुआ है, यहाँ पौधा जो भी लगाया जाएगा वो संरक्षित रहेगा। और दूसरी बात है
कि बोकारो की धरती का हम लोग कर्जदार हैं, यह हमारी कर्मभूमि है, यहीं से मान मर्यादा शौहरत दौलत हमने कमाया है, तो इसका कर्ज तो नहीं उठा सकते हैं, उसी के में एक कड़ी है कि यहाँ के पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए। अब तक आपने कितना पौधा अपने सौजन्य से लगा चुका? लगभग 1000 पौधे। 1000 पौधे आपने लगाए? हाँ, विभिन्न जगहों पर। और फिलहाल कहीं और भी पौधे लगाने की तैयारी है? जी, अभी सोचे हैं, जैसे 100 पौधा मैंने मनाया है 4 पंचायत में, जैसे 12 पंचायत, चंदन क्यारी पंचायत, और क्या बोलते हैं, मूर्ति टाण जिसमें पड़ता है, मूर्ति टाण पंचायत और रानी पोखर पंचायत, ये चारों में 20-20 पेड़ लगाने का उद्देश्य है। ठीक है सर। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।